जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग विशेष इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। विशेष इन्फोटेक्निक्स के बारे में काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई, तो इसलिए आज के दिन इस वीडियो में हम लोग विशेष इन्फोटेक्निक्स को आसान भाषा में डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि शेयर प्राइस जो उतना नीचे चला गया है, क्या फ्यूचर में कुछ चांस भी है इसके ऊपर उठने के या नहीं। देखेंगे तकरीबन आज के दिन तकरीबन 6.5% के आसपास स्टॉक आपको टूटते हुए नजर आया है। हमेशा की तरह सबसे पहले काम के बाद फंडामेंटल और फिर चार्ट यानी कि टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से एनालिसिस करके पता लगाएंगे कि नए व्यक्ति के लिए इन्वेस्टमेंट की इस स्टॉक में कोई जगह है या नहीं, साथ में इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा अभी कि नहीं। चलिए शुरू से करते हैं। सबसे पहले काम की बात करते हैं। देखिए आपको पता है कि विशेष इन्फोटेक्निक जिसका एक और नाम है MPS इन्फोटेक्निक्स, उसको हम लोग ये देखें यहाँ पर भी लिखा हुआ MPS इन्फोटेक्निक्स, ये एक IT सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है। और IT कंपनियों के दिन देखें तो चाहे जो अच्छी कंपनियाँ भी हैं उनके साल 2 साल से देखेंगे तो कुछ खास मोमेंट उसके शेयर प्राइस में नहीं हो रहा है, तो ये भी एक रीज़न है विशेष इन्फोटेक्निक्स के शेयर प्राइस में उछाल नहीं आने का। हालांकि बाकी जो मजबूत कंपनी है उनका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया है, लेकिन विशेष इन्फोटेक्निक्स का शेयर प्राइस देखेंगे चूँकि एक पेनी स्टॉक है इस वजह से इसका प्राइस लगातार आपको नीचे की तरफ ही जाते हुए दिखाई दे रहा है, ये एक चिंता की बात है। देखेंगे तो MPS इन्फोटेक्निक्स जो सिस्टम इंटीग्रेशन और नेटवर्क सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाली कंपनी, यानी कि मोटा मोटी समझे तो IT सेक्टर में काम करने वाली कंपनी, हार्डवेयर और पेरिफेरल्स से संबंधित चीज़ें बनाती है। अब चलिए ये तो काम की बात हो गई। इस कंपनी का हम लोग फंडामेंटल समझते हैं कि फंडामेंटल के हिसाब से कंपनी कितनी मजबूत है, तो मार्केट के भी बात करेंगे। 170 करोड़ आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है। यदि मार्केट के हिसाब से देखें तो जिस हिसाब का कंपनी का वैल्यूएशन है उसके हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस और बाकी चीज़ें नहीं है। शेयर प्राइस देखेंगे तो बुक वैल्यू से भी कम है। बुक वैल्यू तकरीबन 100 रुपये के आसपास है, 1 रुपये 15 पैसा है, लेकिन बुक वैल्यू 50 पैसा भी नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जो ROE और ROCE है दोनों निगेटिव है। हालांकि ये निगेटिव में नहीं होता तो कुछ बात बनती, निगेटिव में जब होता है ना ROE तो क्या होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट पर साल भर में कुछ कमा के कंपनी नहीं देती है। आपके जो भी जिस लेवल पर बाई करते हैं वहाँ से प्राइस नीचे ही जाता है, ये आपको ROE बताता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपके इक्विटी पर साल भर में कितना रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ जब ये माइनस में है तो ये आपके इक्विटी पर जो रिटर्न है वो माइनस में मिलेगा, जाहिर सी बात है। अब चलिए चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि एक साल में कंपनी का चार्ट ने क्या क्या कमाल दिखाए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एक साल के चार्ट में, तो आप पाएंगे कि यहाँ से देखें जनवरी 2023 से ही, तो इस यहाँ से मान लेते हैं फरवरी 2023 ये लेवल है, तो फरवरी 2023 के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था 50 पैसा का। 50 पैसा का लेवल फरवरी इस साल फरवरी में टूटा और 50 पैसा से सीधे कंपनी का प्राइस आ गया 40 पैसा। और अभी देखेंगे तो इसे 45 पैसा से लेकर 40 पैसा के बीच में प्राइस घूम रहा है। और ज़्यादातर ये स्टॉक देखेंगे तो आपको लोअर सर्किट अपर सर्किट नहीं, ज़्यादातर लोअर सर्किट में देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से इस स्टॉक चल रहा है, इस स्टॉक में होता क्या है देखिए मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। जैसे इस कंपनी का शेयर प्राइस क्या होता है कि मान लीजिए आता है 45 पैसा के आसपास, बड़े लोग दबा के यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, फिर प्राइस आ जाता है 40 पैसा। फिर क्या होता है 40 पैसा के आसपास आता है तो बड़े लोग दबा के माल उठाते हैं, फिर प्राइस को लेकर जाता है 45 पैसे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग निकल जाते हैं। और जैसे ये अपने रेजिस्टेंस के पास आता है तो जो छोटे निवेशक हैं उनको लगता है इस बार भी ब्रेकआउट होगा जैसे यहाँ पर हुआ था, बाई कर लेते हैं, लेकिन वो फंस जाते हैं। तो यही इस स्टॉक में अभी इसको कहते हैं पम्प और डंप, यही इस स्टॉक में चल रहा है। टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ये पता लगता है लंबी अवधि के चार्ट में, लंबी अवधि चार्ट ना साल भर के चार्ट भी एक लंबी अवधि है, कि जब तक इस स्टॉक का प्राइस अपने इस लेवल के आसपास नहीं 50 पैसे के लेवल तक नहीं आएगा तब तक इसको ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट सबसे पहले देखते हैं कि इस बार जो कंपनी के मतलब Q4 के जो रिजल्ट आए हैं उसमें कंपनी के जो सेल्स हुए हैं कितने हुए, तो ये रहा मार्च क्वार्टर रिजल्ट। सेल्स 21 लाख के आसपास हुए जो पिछले क्वार्टर में 10 लाख के आसपास थे, उसके पहले 12 लाख थे, यानी कि सेल्स देखेंगे तो कह सकते हैं धीरे धीरे सेल्स में बढ़ोतरी होते हुए दिखा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि कमाई बढ़ी तो कंपनी के खर्चे भी काफ़ी बढ़ गए हैं। पहले जहाँ कंपनी लाख रुपये में खर्च करती थी वहीं अब करोड़ों में खर्च कर रही, तो जब औकात से अधिक खर्चा कीजिएगा तो क्या होगा, आपको लॉस होगा, कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा। तो यही वजह है कि कंपनी के ऊपर तो कर्जा है, यही कंपनी का यदि यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखेंगे यह भी माइनस में है, यानी कि कंपनी अभी प्रॉफिट में नहीं है। ओवरऑल क्या है कि कंपनी कई सालों से देखेंगे तो माइनस में ही चल रही, इसी वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस है आपको ऊपर की तरफ जाते हुए नहीं दिख रहा है। और जब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आएगी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो विशेष इन्फोटेक्निक से संबंधित देखिए कुछ खास न्यूज़ लेटेस्ट अपडेट है नहीं बताने के लिए टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से जो बातें थी मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि विशेष इन्फोटेक्निक्स के बारे में जो बातें मैंने आपको बताया अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई सवाल है कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से हमसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।